रुद्रप्रयाग विधानसभा के विकास कार्यों की आज मुख्यमंत्री समीक्षा नहीं कर पाए। नेट कनेक्टिविटी न होने के कारण एनआईसी व स्वान के सर्वर नहीं चल पाए, जिसके चलते समीक्षा बैठक टालनी पड़ी। चमोली जिले के साथ ही रुद्रप्रयाग विधानसभा के सभी विकास कार्यों की आज समीक्षा की जानी थी, जिसको लेकर स्थानीय विधायक भरत सिंह चौधरी के साथ ही जिलाधिकारी व सभी जिला स्तरीय अधिकारी एनआईसी में मौजूद रहे, लेकिन काफ़ी देर तक भी इंटरनेट सेवा न होने के कारण समीक्षा बैठक को टालना पड़ा। आज चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद की जो विधानसभाएं हैं उनकी समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ली जानी थी। हमारे जनपद में क्योंकि जो एनआईसी का नेटवर्क है और स्वान का नेटवर्क है वो बीएसएनएल की केबल श्रीकोट के आसपास डैमेज हुई है और उसकी वजह से ओएफसी कट होने की वजह से कनेक्टिविटी लॉस हो गई, तो अभी वीसी नहीं हो पाई, केवल चमोली के जो विकास कार्य थे उन्हीं की समीक्षा हो पाई है। तो हम लोग उम्मीद करें कि या तो नेक्स्ट डेट हमको दी जाएगी या अदरवाइज फिर कोई जो भी शासन से निर्देश प्राप्त होंगे हम लोग उसी के अनुसार कार्यवाही करेंगे। देखिए, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ गई थी और दो दो सर्वर यहाँ पे हैं, एनआईसी का भी है और स्वान का भी है, लेकिन दोनों सर्वर काम नहीं कर रहे थे। एक घंटे तक इंतज़ार किया गया, उसको दुरुस्त करने का प्रयास हुआ लेकिन वो नहीं हो पाया, तो संभवतया अगली किसी तिथि पर ये समीक्षा होगी। बरसात का मौसम है और जगह जगह लैंडस्लाइडिंग हो रही है, तो इस तरह की स्थिति बनी रहती है, लेकिन अभी जो ऑल वेदर रोड बन रही है उसमें डक्ट बना दिए गए हैं और आने वाले समय में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जो ओएफसी है वो पूरी तरह से सुरक्षित उसमें रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हेलो उत्तराखंड न्यूज, रुद्रप्रयाग।